सॉलिड एंड लिक्विड, दिस इज अ टॉपिक वी नीड टू फोकस ऑन। लास्ट क्लास में हम सभी ने क्या किया था, हम सभी ने दो सॉलिड को सेपरेट किया था। इस क्लास में हम एक सॉलिड और एक लिक्विड को सेपरेट करने वाले हैं, एंड दीज आर द मेथड्स जो हमें फोकस करना है इन दिस क्लास। विल ट्राई टू लर्न अबाउट देम। तो एक सॉलिड और एक लिक्विड को सेपरेट करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरा इवेपोरेशन, चौथा क्रिस्टलाइजेशन, पांचवा क्रोमेटोग्राफी, छठा डिस्टिलेशन। हम एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं। तो ये केमिकल प्रोसेस है फिजिकल? देखो बेटा, आप फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में मेजरली फिजिकल प्रोसेस ही पढ़ते हो। जितने भी आप सेपरेशन और मिक्सचर्स पढ़ रहे हो भी, ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल प्रोसेस। क्या है? फिजिकल चलिए प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। अब हम बात करते हैं पहले पहले मेथड की। पहला है जो है वो है सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, देखो हर एक मेथड का एक प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, क्या होता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल? प्रिंसिपल प्रिंसिपल दरअसल वो क्राइटेरिया होता है जो तय करता है कि आखिरकार काम होगा कैसे, हम सेपरेट कैसे करने वाले हैं चीजों को। तो आई बॉट दिस डायग्राम फ्रॉम अ बुक। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग एंड वेस्टिंग टाइम ऑन दिस, आई बिलीव कि हम उसे कहीं से उठा लें। सो आवर फर्स्ट मेथड इज सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। देखिए इस मेथड को पढ़ते वक्त या किसी मेथड को पढ़ते वक्त पहला स्टेप जो आता है वो है समझना में प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल ही सेपरेशन का आधार होगा, यानी कि किस प्रिंसिपल पे हम इसको सेपरेट करने वाले हैं। व्हाट विल बी द क्राइटेरिया ऑफ सेपरेशन, सिद्धांत, किस सिद्धांत पे आप सेपरेट करने वाले हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हम सेपरेशन का जो प्रिंसिपल होगा वो होगा डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी कि आप सॉल्युबिलिटी डिफरेंस पे सेपरेशन करने वाले हैं। यानी कि अगर आपका एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, उन्हें आप सेपरेट कैसे करोगे? So by using a sieve. कैन यू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन? सर, वी कैन नो सेपरेट सर, नो सॉल्ट बाय सर। इवेपोरेशन। तो कैन आई से फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन? नो यस सर, यस सर, यस सर, इनसॉल्युबल यस सर। सब्सटेंसेस आर टाइप, आई सेड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। यस सर, वी कैन यस सर। इनसॉल्युबल कैन यू सेपरेट सैंड एंड वाटर? यस सर, यस सर, यस सर। जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ, उसके लिए मैं उसको ले चलता हूँ उसके घर पे। आप सभी ने चाय वाय तो छनते हुए देखा ही होगा, किस तरह से छनती है चाय, ना देखा है सभी ने चाय छनते हुए? यस सर, यस सर, आपको पता है सर। देखिए आपके चाय में क्या क्या होता है। आपके चाय में होता है टी लीव्स होती हैं, ठीक है, और आपका टी का सोल्यूशन होता है। आपको पता है ये जो टी लीव्स होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन दिस टी सॉल्यूशन, है ना। और यस सर, सारे के यस सारे टी लीव्स चाय की चुन्नी पे ही टिक जाते हैं, यही टिक जाते हैं, और चाय सारी कप में आ जाती है। फिर ये चाय अपने गेस्ट को देते हैं, या फिर आप खुद पी लेते हैं, या आपकी मामा पीते हैं, हवा पीते हैं। आपने देखा होगा इस तरह से हर बार चाय छानी जाती है और लोग बड़े आसानी से पी लेते हैं, विदाउट इवन थिंकिंग कि यहाँ पे हम एक फिजिकल प्रोसेस यूज कर रहे हैं जो कि है सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन।
हमने फिल्ट्रेशन यूज किया है और हमने हमने जो प्रिंसिपल यूज किया है वो ये है कि हमने इंश्योर किया कि जो भी सब्सटेंस आप सेपरेट करने वाले हो वो सोल्यूबल ना हो सोल्यूशन में. अग्रीड और नॉट? लिख भी सकते हैं आप कि फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग फिल्ट्रेशन is used for separating insoluble substance from a solution. तो किसी भी solution से liquid का solution नहीं तो होगा, ठीक है? आप फ्रॉम सॉल्यूशन बोल लीजिए, फ्रॉम लिक्विड बोल लीजिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू. यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि अगर वो सॉलिड उस पर्टिकुलर लिक्विड में सॉल्युबल नहीं है तो आप उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने बोला है कि मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड लिया है, लिक्विड लिया है. मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सैंड एंड वाटर का, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लिया, उसमें सैंड एंड वाटर का मिक्सचर बना लिया और इसे भर लिया. Am I audible? Yes, sir. अब मैंने क्या किया, मैंने ग्लास रोड को यूं टिका करके धीरे धीरे से गिराना स्टार्ट किया, ठीक है? ताकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, आराम आराम से सारे गिरे, ठीक है? अब हुआ क्या, आपका जो लिक्विड है वो नीचे धीरे धीरे आकर के यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा. जो आप बीकर में आपको मिल रहा है ना, जो यहां जो मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं. और जो सर इसमें मैं ग्लास रॉड लगाने की क्या जरूरत थी, उसे तो हम जरूरी भी नहीं है. मैं वही बता रहा हूँ आपको, ग्लास रॉड से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है जो भी आपका सोल्यूशन है. अगर आप एक साथ डाल दोगे ना तो पूरा फैल जाएगा चारों तरफ, फिर आपको कुछ पार्टिकल ग्लास रॉड से वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा. अब देख रहे हो कैसे गिर रहा है, एक साइड एक मतलब इवनली वो हो रहा है बेटा, फ्लो इवन फ्लो मेंटेन हो रहा है इसका. यस सर. नाउ जो नीचे आपने लिक्विड सेपरेट किया है दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, और जो यहां बन गया है बचा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू. तो दिस इज हाउ वी कैरी आउट सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन. अब मैं क्या मैं चॉक इन वाटर का फिल्ट्रेशन कर पाऊंगा? यस सर. क्या मैं सैंड इन वाटर कर पाऊंगा? यस सर. क्या मैं अमोनियम क्लोराइड और वाटर का सेपरेशन कर पाऊंगा? नो सर. क्या मैं कह सकता हूँ कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सेपरेशन फिल्ट्रेशन से हो सकता है? यस सर. तो आई होप आपको समझ में आया. अभी हम बात करते हैं कि जो आपके घरों में पानी आ रहा है, ठीक है, उसकी फिल्ट्रेशन कैसी होती है. तो अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन सिटी. Our drinking water is supplied in situ. ठीक है, let me bring that diagram to you. It's a very very important thing. आप सभी में से किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है. सर अभी मेरा कनेक्शन हट गया था, आप बता सकते हैं? अभी दो मिनट पहले आपने क्या बताया था? मैंने बताया है कि फिल्ट्रेशन में हम चेक करते हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है उसमें वो सॉलिड उस लिक्विड में सॉल्युबल ना हो, क्योंकि वो अगर इनसॉल्युबल होगा तो ही हम उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर
कर पाएंगे। अगर वो सॉल्युबल हो जाएगा तो लिक्विड के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन आपने यहाँ पे सैंड एंड वाटर का मिक्सचर लिया था, सैंड एंड वाटर का आपने मिक्सचर लिया और आपने उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे फनल पे डाला, सारा सारा सैंड यहाँ इकट्ठा हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं रेसिड्यू। सारा सारा वाटर यहाँ पे आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं फिल्ट्रेट। दिस पर्टिकुलर सेपरेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी, वेयर फिल्ट्रेशन इज यूज ओनली फॉर सेपरेटिंग दोज मिक्सचर्स वेयर देयर इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ लिक्विड प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन लाइक सैंड एंड वाटर, चॉक एंड वाटर। Understood? Okay, sir. Thank you. Okay. So now we are focusing on how drinking water is clean in our cities. So I can remember that this diagram was in 7th NCERT book. Yes, it is there. But beta, वो सीवेज के लिए है, I guess. वो सीवेज ट्रीटमेंट का बेटा. Yes. सोच रहे हो ना, वो सीवेज ट्रीटमेंट का है. But it was most likely like it. आप वहाँ पे एक्टिव बजे स्लज की बातें होती होंगी, है ना, स्लज की बातें होती हैं, वो सब नहीं है. वो सीवेज ट्रीटमेंट का है, लगता है सेम पर है नहीं. So our topic is drinking water. अरे समुद्र का पानी से ले रहे हैं ना? Yes sir, river or lake? River lake लिखा हुआ साफ है। सर ये भी एक मेथड है क्या सेपरेशन का, ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड? Yes. से बोलो बेटा, फिर से बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक मेथड है क्या सेपरेशन का, ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर? हाँ बेटा, ये फिल्ट्रेशन ही है। और मैं आपको फिल्ट्रेशन जो है इस तरह सेपरेशन जब है फिल्ट्रेशन हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं इस तरीके से एक एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, am I audible? Yes sir. शहरों में जो पीने का पानी जो है वो दरअसल वाटर वर्क से आता है। ये जो जो ये जो प्लांट होता है ना जहाँ पानी साफ होती है उसको हम वाटर वर्क बोलते हैं। उनका कई तरह के मेथड्स यूज किया जाते हैं जैसे कि सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन। ये सारे मेथड्स हम यूज करते हैं ताकि उसके अंदर प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को फिल्टर आउट कर सके। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट समझने वाली बात ये है कि पानी आता कहाँ से? The water which is supplied, to water works is basically coming from river and lake. Yes, that is river lake. We can easily call them river. Yes, आप देख सकते हो यहाँ पे river और lake के बगल में reservoir लिखा bracket में ना? Yes sir. तो ये basically मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन इन ये जो reservoir है हमारे लिए, क्योंकि यहीं से पानी आ रहा है। ठीक है, अब ये रिवर्स हैं, ये लेक्स हैं, इसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं, जर्म्स हो सकते हैं। तो इसको डायरेक्टली घर में अगर भेजेंगे तो लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, ये जर्म से कारण डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, कॉलेरा हो सकता है। आपको आपने सभी ने 7th-8th में डिजीजेस के बारे में पढ़ा भी होगा बायोलॉजी में, इनफैक्ट तब तो वहां बताया गया होगा कॉलेरा कैसे होती है, डायरिया कैसे होता है। तो और क्यों हम टाइफाइड बहुत इम्पोर्टेंट वाटर बॉर्न डिजीज है, तो कुछ कुछ जिन लोगों की आदत होती है कहीं पानी वो टाइफाइड से बहुत ज्यादा संक्रमित होते हैं, तो इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हमें पानी फिल्टर का ही पीना चाहिए। तो यस सर, ये जो पानी इससे पहले हमें घर में हमारे घरों में भेजा जाए, इससे पहले हमें पहले जरूरी है कि इस पानी को साफ किया जाए, इसके अंदर प्रेजेंट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को जैसे कि सीवेज, कई बार जो रिजर्वॉयर्स होते हैं इसके पास जाकर के जो गांव के लोग होते हैं, जैसे हम दिल्ली में पानी कहाँ से आ रहा है? हरियाणा से आ रहा है। ठीक है, तो इसे अब आपके साइड का पानी शायद यूपी से आ रहा हो, मैं यहाँ रोहिणी साइड रहता हूँ तो मेरा पानी जो हरियाणा से आता है। तो आप जो पानी जो यहाँ से आ रहा है ना पानी, ये
ये पानी बड़े बड़े नदियों से आता है, नहरों से आता है, तो कई बार क्या होता है उस पानी के सप्लाई में बहुत सारे अनवांटेड इंप्योरिटीज होती है, ह्यूमन फेकस होता है, कई बार डेड बॉडीज होती है उस पानी के अंदर, ह्यूमन की डेड बॉडीज होती है, एनिमल्स की डेड बॉडीज होती है, ये सारी डेड बॉडीज होती है, दे कैन बी इन्फेक्टेड, उनके वायरसेस जर्म्स उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। उससे पहले इस पानी को लोगों के घर तक पहुंचा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज लाइक ह्यूमन फेकस, एनिमल फेकस, एनी अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को हटाया जाए, जर्म्स को हटाया जाए, कोई कोई अगर प्लास्टिक आ गया है, कोई मेटल प्रेजेंट है उसे भी हटाया जा सके। हालांकि इतना एडवांस नहीं होता ये फिल्ट्रेशन मेथड, पर हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारा जो फिल्ट्रेशन काम है कहाँ होता है, वाटर वर्क्स को होता है। तो ये आप जो डायग्राम अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको हम वाटर वर्क्स कहते हैं। ठीक है, तो वाटर वर्क्स में इसकी सफाई होती है, सारा का सारा पानी यहाँ पे ही साफ करके ही भेजा जाता है। और देखिए सबसे पहले क्या होता है, पंपिंग स्टेशन पानी आता है, आप सभी देख सकते हैं एक पाइप नदी की ओर जा रहा है और नदी से एक पाइप कनेक्टेड है एक पंपिंग स्टेशन पे, दिख रहा है सभी को? यस सर। एक सेकंड बता, बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लेट मी क्लियर ऑल नोटिफिकेशन। ठीक है, सो यू कैन सी द पंपिंग स्टेशन इन पंपिंग वाटर फ्रॉम रिजर्वॉयर टू पंपिंग स्टेशन। ठीक है, टू पंप पाइप्स, अब नाउ दिस वाटर इज सेंट टू सेडिमेंटेशन टैंक, आप सेडिमेंटेशन टैंक देख सकते हैं। इज एवरीवन कैन सी सेडिमेंटेशन टैंक? यस सर, यस सर। टैंक में पानी को काफी समय के लिए रखा जाता है। ठीक है, वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, देखिए अगर आपने किसी भी आपने अगर पानी को होल्ड कर रख लिया ना, तो जो भी उसके अंदर प्रेजेंट इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं, सब्सटेंसेस हैं, दैट विल सेटल डाउन एट द बॉटम। यस सर। आप सभी देख सकते हैं कि सारे ब्लैक पार्टिकल सस्पेंडेड इंप्योरिटीज इनसॉल्युबल पार्टिकल नीचे बैठ चुके हैं। यस सर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इवन इफ कुछ पार्टिकल, सपोज ये देख रहे हैं आप सभी, ये अगर बहुत सारे नीचे बैठ गए, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कुछ सस्पेंडेड इंप्योरिटीज नीचे नहीं बैठते हैं। इन दैट केस दैट वाटर इज सेंट टू लोडिंग टैंक। क्या बेटा, क्या बोलो, क्या करो सर? वो मिक्स होते तो उसमें एलएम यूज कर देते हैं। अब दैट वाटर इज सेंट टू लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में क्या होता है, देखिए कुछ जो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज हैं ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेड रेड कलर के दिख रहे सभी को? यस सर, यस सर। मैंने क्या किया, ऊपर से एलम डाला, एलम क्या करेगा, इसके ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके ऊपर आएगा फिर वो नीचे चला जाएगा सर। यस, और उसकी डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई तो ये सारे के नीचे और सारे यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। बोलो बेटा सर, व्हाट इज एलम? एलम एक केमिकल कंपाउंड है, इसको हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, जो कभी कभार वाटर पाइप को सील करने के लिए लगाई जाती है। आप सभी ने देखा होगा बार्बर शॉप में एलम रखा जाता है, हालांकि जगह पे यूज होता है। देखिए एलम को हमें यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके कारण हेपेटाइटिस बी होने का खतरा होता है, क्योंकि बहुत तरह के लोग होते हैं और उन्हें यूज करते हैं वो। ठीक है, समझ रहे हो सर? आपने सर एलम को सर हिंदी में क्या बोला सर? मतलब ये यूज करना अच्छा नहीं होता। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? ये यूज करना अच्छा नहीं होता। अच्छा होता है, आप अपना सेपरेट लेके जाइए, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन आप वो बार्बर शॉप पर रखा हुआ है वो यूज कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है, दैट इज हार्मफुल। मतलब अपना बेटा, वैसे तो देखो, लेकिन आपको एलम नहीं यूज करना चाहिए, आफ्टर शेव यूज कीजिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एलम, तो आफ्टर शेव इज मच बेटर। तो एलम अगर कोई यूज कर रहा है बार्बर शॉप पर जाकर के, ही इज एट रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड ऑफ हेपेटाइटिस बी इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, और उसने वो यूज किया तो दूसरा भी उसके साथ कंटामिनेट हो सकता है उस डिजीज से। ठीक है, जिस तरह से दिखाया था कि बाबा ब्लेड पे आप बार्बर शॉप पर जाएं, यस सर, कट जाता है तब लगाते हैं, तो हाँ, तो ब्लेड भी हम बोलते हैं कि ब्लेड भी नया डालना चाहिए और सैनिटाइज होना चाहिए, क्योंकि दैट इज वेरी मच रिस्की। अगर आप यूज ब्लेड अगर यूज कर रहा है बार बार, तो वो
एचआईवी का इन्फेक्शन का एक सोर्स बन सकता है, उसके कारण एड्स से भी कोई इन्फेक्ट हो सकता है। ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखना चाहिए, और अगर हम इसलिए ख्याल रखें तो वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। तो दीज आर बेसिक थिंग्स वी ऑल शुड नो। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं। अब हमारा जो टैंक है, अब जो हम टैंक डिस्कस कर रहे हैं वो है लोडिंग टैंक। यू कैन सी एट लोडिंग टैंक वी हैव ऑडिबल। यस सर। यस सर, यू आर ऑडिबल। यू आर ऑडिबल। ओके, रिकॉर्डिंग रुक गई थी क्या भी? सर रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट स्टार्ट हुई ना। चलिए हम बात कर रहे थे एलम की, और मैंने आप सभी को बताया कि जो आपका एलम है वो पानी में डालते हैं और उन हल्के पार्टिकल्स को, जो क्ले पार्टिकल बोल सकते होंगे, जो हल्के क्ले पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड थे उनके ऊपर जाके वो सेटल हो जाते हैं और उनको हैवी कर देते हैं और इट सेटल डाउन इट्स बॉटम और दैट इज सेंड एट द बॉटम ऑफ द टैंक। नाउ दिस वाटर इज सेंड टू फिल्ट्रेशन टैंक। बोलो बेटा। सर एलम का बड़ा टुकड़ा डालते हैं फिर एटम को छोटे छोटे पार्टिकल्स डालते हैं। पाउडर फॉर्म होता है बेटा उसका। पाउडर बड़ा टुकड़ा डालेंगे तो बेटा कितने पार्टिकल कंट्रोल में आएंगे, है ना? अब देखो यहाँ पे दिस वाटर इज सेंड टू नेक्स्ट टैंक कॉल फिल्ट्रेशन टैंक। अब देखिए यहाँ पे तीन तरह के सैंड की लेयर है, पहला फाइन सैंड, दूसरा कोर सैंड, तीसरा ग्रेवल। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा सॉइल प्रोफाइल क्लास 9th-7th में। यस सर। यस सर। और बताया होगा डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं। यस सर। तो माइन्यूट एंड माइक्रो लेवल के पार्टिकल्स हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं बाय दिस। ठीक है, दीज थ्री लेयर्स कैन इवन सेपरेट स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स and every kind of material are removed through this. Now, so that's why the groundwater is very pure, na? क्या बेटा? So number one and number two diameter of the particle is purity. बेटा, I am not audible. फिर से बोलो। Sir, मैं ये कह रहा हूँ कि जो one nanometer के diameter वाला particle है या one millimeter वाला, वो भी इससे filter हो जाएगा। बेटा मैं माइन्यूट पार्टिकल्स कह रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि वो वन नैनोमीटर छोटा वाला होगा। देखो अगर वो वन नैनोमीटर छोटा वाला हो जाएगा तो वो तो सॉल्युबल हो जाएगा ना उसमें। वो ट्रू सॉल्यूशन कैटेगरी में आ गया, और अगर वो सॉल्युबल है वो सेपरेट नहीं होगा। अगर वो इनसॉल्युबल है तो मे बी हो जाए, तभी तो कह रहा हूँ कंप्लीटली सेफ नहीं है। अगर ये कंप्लीटली सेफ होता तो आपके घरों में फिल्टर्स नहीं होते। देखिए पॉल्यूशन आजकल बहुत बढ़ गया है। जब मैं आप लोगों के एज में था तो आई यूज्ड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टैप ओनली, मैं यहीं से पानी पिया करता था। मैंने अपनी जिंदगी की स्कूल लाइफ में हमेशा पानी ऐसे ही पिया है एंड आई नेवर फेस एनी प्रॉब्लम बाय गॉड ग्रेस, क्योंकि तब इतना पॉल्यूशन नहीं होता था। आज के डेट में तो पॉल्यूशन हो गया है कि अगर आपने डायरेक्ट यहाँ से पानी पी लिया तो प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, कैसे? इसके अंदर सियानाइड्स आ सकते हैं, मर्क्यूरी आ सकता है, लेड आ सकता है, गोल्ड तो नहीं आएगा, ठीक है, आर्सेनिक आ सकता है। ये सारे कैंसरस मेटल्स हैं जो प्रभु से मिलाने के लिए मदद करते हैं लोगों को। लेकिन सर स्कूल्स में जो टैप होते हैं, टैप से पानी पीने के लिए बच्चे लाइन लगाते हैं, सर वो सब सेफ है जो स्कूल में लगा रहता है? बेटा वो फिल्टर होके ही आता है बेटा, जब आपके स्कूल में टैप लगा हुआ है सीधा वो सप्लाई का पानी नहीं दे रहे हैं। यस सर। फिल्टर लगा होता है। और सुनिए बेटा, अगर जिसको ये लगता है कि नहीं जी हमारे स्कूल में तो बिना आरओ का है, ट्रस्ट मी इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज आपने कंटेमिनेटेड वाटर पिया कल आपको कैंसर हो जाएगा, नहीं भगवान ना करे हो, या कोई भी अगर आज पानी पी रहा है उसको परसों कैंसर नहीं होने वाला। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट विल टेक अ ईयर, साल दर साल लग जाते हैं उस कैंसर को डेवलप होने में और डिटेक्ट होने के लिए। तो इट इज माय रिक्वेस्ट एंड सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप अपना ख्याल रखें और हमेशा फिल्टर का पानी पिए। स्कूल अगर प्रोवाइड नहीं करता है तो अपने लिए एक्स्ट्रा पानी लेकर के जाएं, पानी शेयर ना करें, क्योंकि वाटर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट
95% डिजीज जो है आपको कभी भी लाइफ में लगेगी ना तो वो एयर और वाटर से लगेगी, याद रखना। सर फिर ये बताए सर, जो रेन वाटर होता है सर वो तो प्योर होता है ना फुल्ली? हाँ बेटा, सर उसे हम ड्रिंक नहीं कर सकते पा? सर सिर्फ बॉइलिंग ठीक नहीं है, बॉइलिंग से भी तो हो जाता है क्योंकि इतना तो प्योरीफाई हो ही जाता है। बेटा बॉइलिंग से आपके जर्म्स मरेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे? यस सर, बट सर रेन में तो ऐसा नहीं होता सर, वो तो प्योर आता है सर, उसे भी हम नहीं मैंने तो मना किया भाई, पी लो अगर 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 पॉल्यूटेड रेन नहीं है तो पी सकते हो उस पानी को, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसमें वो नहीं होते मिनरल्स जो हमें चाहिए होते हैं सर, जैसे मैग्नीशियम। आप एक चीज बताओ कि आप रोज रेन वाटर पी सकते हो क्या? रोज रेन होता है यहाँ बात हो रही, क्या हम पी सकते हैं? आई एम सेइंग ना पी सकते हैं। आप पूछो क्या हम रोज पी सकते हैं, मैं बोलूँ नहीं पी सकते रोज। यस सर, है ना, क्वेश्चन को क्वेश्चन की बारीकी भी समझो। जैसे एक एयर से सर वाटर में कन्वर्ट कर देता है ना सर, एक बनाया है इंडियन ने। काम डाउन, पहले इस टॉपिक को क्लियर हम कर ले, ठीक है? नाउ दिस वाटर इज मेड टू पास थ्रू दीज पर्टिकुलर लेयर्स, यहाँ पे माइन्यूट पार्टिकल से सेपरेट हो जाते हैं। नाउ दिस वाटर इज सेंट टू क्लोरिनेशन टैंक। क्लोरिनेशन टैंक में क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट जर्म्स को मारा जाता है, कैसे? क्लोरीन गैस को पास करा के। ये क्या है, एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है। सम स्विमिंग पूल में भी डालते हैं ना सर? बिल्कुल, वहां ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, कई बार ब्लीचिंग पाउडर भी क्लोरीन कर देता है। फिक्स टाइम। तो हेलो, यस सर, नाउ दिस क्लोरीन इज मेड टू पास थ्रू दिस वाटर। ये क्लोरीन गैस जो है जब इनके थ्रू पास होता है, इस वाटर में आता है, यहाँ प्रेजेंट सारे जर्म बैक्टीरिया को खत्म। सर गैस के फॉर्म में ही डाला जाता है ऐसे? हाँ बेटा, क्लोरीन गैस पास करा देगा, आप क्लोरीन की गोलियां डाल लीजिए, जैसा आपको सही लगे। ओके सर, क्लोरीन होना चाहिए क्लोरीन की। हाँ बेटा, सर ये पूरा प्रोसेस सर कितना टाइम लेता होगा सर? जैसे सर रिजर्वायर से सर टैप वाटर तक कन्वर्ट होने में सर, जैसे सर बीच में जो प्रोसेस लगते हैं सारे, सर कितना टाइम लेते होंगे सर? फर्स्टली आई फील इट शुड टेक मिनिमम 1 to 2 days। ओके सर, ठीक है। क्लोरीन तो सुटेबल नहीं होता ह्यूमंस के लिए, तो क्लोरीन वो पहले फिल्टर करते हैं? नहीं बेटा, समझिए। अप टू अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन क्लोरीन इज नेसेसरी, ठीक है? क्लोरीन कैन बी यूज्ड, लेकिन अगर आप एक्सेस में लेंगे क्लोरीन तो दिक्कत होगी। ओके सर, आपकी बॉडी में क्रोमियम भी है, आपकी बॉडी में मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, सब है। एक्सेस में होगा तो प्रभु प्राप्ति। यस सर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हां, अगर पोटेशियम आयन के एक्सेस में आ जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है। सही बोलते हैं, बीपी वालों को नमक कम खाना चाहिए, ठीक है? टीडीएस क्या होता है? थोड़ा टीडीएस लेवल ऑफ वाटर, टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट, अभी बात करेंगे इसकी, अभी शांत रहो, अभी हम सब TDS, RO, इसके बारे में पूरी कहानी सुनाऊंगा। RO का धोखा क्या होता है, तो आप लोगों को कैसे धोखा दिया जाता है बताऊंगा 5 मिनट को। तो आप पहले यहाँ देखिए, आफ्टर क्लोरिनेटिंग योर वाटर, योर वाटर इज डिसइंफेक्टेड फ्री फ्रॉम एनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, दिस वाटर अगेन सेंड टू पंपिंग स्टेशन, फ्रॉम पंपिंग स्टेशन इट इज सेंड टू वाटर रिजर्वायर, अगेन वाटर टैंक स्टोरेज, दिस वाटर इज अगेन सेंड टू पाइपलाइंस, जो भी आपका एक कॉलोनी है तो कॉलोनी के डिफरेंट पाइपलाइंस होंगी, उसके थ्रू ये वाटर भेज दिया जाता है और उसके थ्रू आपके घरों में पानी आता है। क्या ये समझ में आया सभी को? इसमें भी खतरा है ना? एक सेकंड रुकिए, क्या डाउट है बेटा? फिल्ट्रेशन का डाउट है इसमें सर? सर फिर इसमें कुछ खतरा भी तो है सर, वहाँ पाइप में बीच में कोई आग पड़ गया तो फिर से? आपका क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ, इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था सर, एक बार सर फिल्ट्रेशन का बता दो सर, प्रोसेस सर, फिल्ट्रेशन वाला सर जो प्रोसेस था इससे पहले वाला सर, क्लोरीनेशन से पहले वाला? बेटा यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे तीन लेयर है, एक बहुत ही पतले पतले सैंड की लेयर है, थोड़े मोटे सैंड की लेयर है, और बड़े बड़े पत्थर है। इसके थ्रू वाटर को जो पास कराओगे ना, तो छोटे छोटे पार्टिकल जो पानी प्रेजेंट है वो भी वहीं रुक जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे। दिस वाटर इज सेंड टू क्लोरीनेशन टैंक,
ओके सर ठीक है। हाँ बेटा तू पूछ, क्या डाउट है पाइप को क्या फंसा है सर? पाइपलाइन में भी तो छेद हो सकते हैं सर, उसे फिल्टर करना पड़ेगा फिर तो। हाँ बेटा मैं तो बहुत कॉमन चीज है, कई बार तो आपकी पानी पाइपलाइन में सीवर का पानी मिक्स होता है, आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कभी ना कभी। यस सर, तो फिर हमें घर में से फिल्टर लगा के रखना चाहिए ना से इसके लिए भी। अभी मैं आ रहा हूँ बेटा, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि पाइपलाइन टूट सकता है, तो मैंने इसका जवाब ये दिया है कि बिल्कुल हो सकता है, टूटा हुआ होता है, कई बार सीवर का पानी मिक्स होकर के घरों में आता है, नाली का पानी मिक्स होकर के घरों में आता है लोगों के, तो आप सभी ने कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा, काला पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, स्मेल आ रही पानी। यस सर सीवर पानी होता है, सीवर का पानी होता है, उसमें ह्यूमन एक्सक्रीट्स मिले होते हैं, फैक्ट्री के फैक्ट्री वेस्ट मिले होते हैं उस पानी के अंदर, तो वो पानी दे जाता है पीने के लिए। फिर कभी कभी तो एकदम ऑरेंज कलर होता है पानी का, तो बेटा वो बेसिकली वो वही है, एक्सक्रीट है, ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है, तो वो उसमें मिक्स होता है। हाँ आप पूछिए क्या डाउट है सर? ये बनाना है क्या डायग्राम कॉपी में? और क्या बेटा? ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो क्या डाउट है? सर क्लोरीन जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोरीन के सर, उसमें कोई मतलब ऐसी कौन सी खास बात होती है जिसकी वजह से वो एक डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है? बड़ा इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है जिसके कारण ये इस तरह की एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। अभी सारी प्रॉपर्टी समझाने के लिए मुझे वो टर्म समझाना पड़ेगा जो पॉसिबल अभी नहीं है। ओके सर। अगर मैं फिर भी आसान भाषा में समझाना चाहूँ कि क्यों ये ऐसा करता है, तो देखिए आप सभी ने सुना होगा ना कि आपका कोरोना वायरस ऐसा है, उसके कुछ ऐसे ऐसे निकले हुए हैं, है ना? यस सर। सर ये प्रोटीन और सर तीन लेयर्स होती हैं सर। हाँ ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, मैं इतना बायोलॉजिकल टर्म्स यूज नहीं करने वाला हूँ। तो दीज आर द शेप ऑफ कोरोना वायरस, यू कैन सी कोरोना वायरस इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आपने ये लेयर ब्रेक कर दिया तो ये खत्म हो गया, क्योंकि अंदर तो सिर्फ इसके आरएनए है। यस सर, आरएनए है, ठीक है। अगर यस सर, अगर ये मेम्ब्रेन ब्रेक हो गया तो इस पर अटैक कर लोगे आराम से, तो क्लोरीन वही काम सर सर जिससे ऐसे हमारे सेल के साथ होता है सर, मेम्ब्रेन ब्रेक हो गए तो फिर खत्म से। एग्जैक्टली जैसे ये ब्रेक हो गया खेल खत्म बैक्टीरिया का वायरसेस का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट सर। पर सारे फिल्टर्स भी तो मतलब ये तो धोखा देते हैं ना, कहते हैं कि तीनों चीजें एक में ही है, वो तो एक में हो ही सकती है। वही समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं बात करता हूँ आरओ सिस्टम्स की, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको। कैसे होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है, आसान भाषा में समझाऊंगा कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, एक तरह का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसे बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं 0.0001 माइक्रोन का, ठीक है, उसके थ्रू वाटर को पास कराते हैं। जब वाटर इसके थ्रू पास होता है ना, इसके अंदर प्रेजेंट डिसॉल्व पार्टिकल्स वो भी वही रुक जाते हैं, रुक जाते हैं, और पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर पास होता है। अब समझिएगा, मान लो ये वाटर है आपका, इसके अंदर इसका मिनरल भी है और इम्प्योरिटीज भी है। इम्प्योरिटीज में क्या क्या होगा, मतलब मर्क्यूरी है, आर्सेनिक है, सब है। जब वो इसके थ्रू पास कराओगे ना, तो ये तो रोकेगा, ये भी रोकेगा, लेकिन ये भी रोक देगा, तो आपको सिर्फ मिलेगा पानी, और इस वाटर में मिनरल्स नहीं होंगे, और ये मिनरल्स नहीं होंगे तो ये बुढ़ापे में जब हम सभी ओल्ड हो जाएंगे तब हमें दिक्कत देगा, क्योंकि ये मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को, बॉडी के बोन्स को बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। एक तरह का सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये वाटर, तो उस वाटर से प्यास नहीं जाता है सभी के, बॉडी के मिनरल्स के कंटेंट को पूरा करता है। आरओ के पानी में मिनरल्स नहीं होता। तो आप लोग सर हमारे यहाँ जो आरओ है ना, उसमें आरओ है, यूवी है, एमएफ है, प्लस यूएफ है, प्लस टीडीएस कंट्रोलर है, सर और क्या चाहिए सर? ओनली 50,000 रुपीज,
हम बहुत रिच भी हैं सर, सुना आप सभी ने इस तरह की मार्केटिंग। yes, सर, आपके फिल्टर वाले फिल्टर जो मार्केट है वो इस तरह की मार्केटिंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए। भारत में 4500 करोड़ रुपए का बाजार है आरओ का, जो आने वाले कुछ सालों में 9000 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन बता दूं ये सारा का सारा क्या है, एक तरह गेम है। कैसे गेम है मैं समझाता हूँ। देखिए मान लो ये पाइप है पानी का, ठीक है, तो आरओ वाले क्या करते हैं, एक पाइप को भेजते हैं आरओ के पास और यहां से एक कनेक्शन काट के भेजते हैं पानी को कहा, यूएफ के पास। आरओ क्या है, इसके छेद कितने, इतने छोटे छेद, यूएफ में छेद कितने होते हैं, 0.001 माइक्रोन। अब एक चीज बताओ, जो चीज इसके थ्रू पास हो जाए, इस छोटे साइज के थ्रू पास हो जाए, क्या वो इसके थ्रू पास नहीं होगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा। वो ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, वो करते हैं नहीं, पानी यहाँ भेजते हैं, कुछ पानी को यहाँ भेजते हैं। अब यहाँ जब पानी जाएगा ना तो यहाँ पे टीडीएस जो है वो पास हो जाएगा और बेसिकली क्या करते हैं वो वापस इसको मिक्स कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम बोलते हैं हमें टीडीएस ही कंट्रोल कर दिया जी, हमने देखो आरओ भी दे दिया आपको। और यूवी क्या करता है, हाँ यूवी इज इम्पोर्टेंट, यूवी भी एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है, ये पानी प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड वायरसेस को मारता है। लेकिन यहाँ जो बेवकूफ जो बनाते हैं ना, वो आरओ में, एमएफ में और यूएफ में, आपको जरूरत नहीं है तीनों की। अगर आपके पास ये है ना, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसका साइज, इसके छेद का साइज, इसके बोर्ड का साइज इतना है ना, इसका होगा इतना माइक्रोन और इसका होगा इतना माइक्रोन, मैं डेटा ले रहा हूँ ऐसे ही। अब एक चीज बताओ, इसका छेद इतना सा है, इसका छेद इतना बड़ा है और इसका छेद इतना बड़ा है। अब एक चीज बताओ, जिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन का होल इतना छोटा है, अगर कोई पार्टिकल इसके थ्रू पास हो गया तो क्या वो इसके थ्रू पास नहीं होगा, क्या वो इसके थ्रू पास नहीं होगा? सर हो जाएगा, सर बिल्कुल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अगर अगर हो जाएगा, अगर आप आरओ लेना चाहते हैं तो आपके लिए आरओ प्लस यूवी इज सफिशिएंट। अब सर आप तो आरओ यूवी को एडवोकेट कर रहे हैं, खरीदना चाहिए। मैं इसलिए एडवोकेट कर रहा हूँ बेटा, ये जो पानी हमें मिल रहा है ना, दैट इज एक्सट्रीमली अनहाइजीनिक, और सिंपल फिल्टर्स जो होते हैं ना वो कम्प्लीटली उसको फिल्टर साफ नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं एडवोकेट करता हूँ हाँ आरओ प्लस यूवी यूज करना चाहिए। हाँ, जो इसके अंदर मिनरल्स हैं वो आप एक्सटर्नली मेंटेन कराइए, उसको आप एक्सटर्नली दीजिए बाहर के सोर्सेज से, ठीक है। तो टीडीएस, अगर आपका वाटर सप्लाई का टीडीएस जांच कराइए, अगर टीडीएस कम हो रहा है आरओ के यूज के बाद तो दिक्कत है। वैसे बता दूं जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने आरओ पर बैन लगा दिया है। बट आपको पता है इंडिया में कोई रूल्स बनते हैं उसको उसको तोड़ने के बहुत तरीके भी होते हैं, तो आई होप कि ये स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। अगर आरओ बैन होता है तो पूरा मार्केट जो है इसमें दिक्कत आने वाली है। बट आरओ जरूरी भी है और जरूरी नहीं भी है, मैं मिक्स स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि जो पानी मिलता है पीने के लिए वो सिर्फ उसे आरओ से साफ हो सकता है, क्योंकि अगर सीवर का वाटर आ रहा है ना उसमें, ठीक है। अब बताओ सीवर का वाटर कैसे साफ करेगा, आपने देखा होगा 2000 का फिल्टर भी आता है, अब 2000 के फिल्टर सीवर के वाटर कैसे साफ करेंगे, इज जस्ट अ स्टेटमेंट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपके फिल्टर्स हैं, जो फिल्टर्स आप देखते हो मार्केट में, थोड़ा सेंसिबली खरीदिए, आरओ, एमएफ, यूवी, टीडीएस, इतना घबराने जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, आरओ प्लस यूवी, दैट्स इट। अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो पानी में खुद से टीडीएस मिक्स करता हो, आर्टिफिशियली पानी को साफ करने के बाद उसमें सॉल्ट डिजोल्व करता हो, दैट विल बी अप्रिशिएटेड। तो अगर मेरे साथ पूछो कि सर आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होगा आरओ आरओ फिल्टर का, मैं बोलूंगा पहले आरओ हो, फिर यूवी हो, फिर टीडीएस हो। मतलब ये है कि आरओ सारे सब कुछ साफ कर दे, यूवी डिसइंफेक्ट कर दे, और टीडीएस एक तरह का समझ लीजिए एक तरह का उसमें वो हो, मशीन हो, जिसके अंदर पहले से मिनरल्स हो और ये मिनरल्स सफिशियंट अमाउंट में वाटर मिक्स करें आर्टिफिशियली, तब वाटर को दिया जाए। दुबई यही करता है, दुबई अपने पानी को समुद्र से साफ करता है सिंपल डिस्टिलेशन से, मैं समझाऊंगा क्या होता है, और फिर उसमें मिनरल्स मिक्स करके पूरे शहर को पानी देता है। सर एक चीज पूछनी थी,
सर फिर एमएफ और यूएसए जैसे आपने बोला आरए से मिनरल्स पास किए थे, लेकिन एमएफ और यूएसए तो मिनरल्स पास हो सकते हैं ना? हाँ बेटा हो सकते हैं, लेकिन उसको वो भी तो उसके आई एम नॉट श्योर कि उसके थ्रू शायद मेटल्स भी पास हो सकते हैं, कुछ मेटल्स से पार्टिकल्स अगर उसके थ्रू पास हो सकते हैं तो वो हार्मफुल हो सकता है। ओके सर। सर ऐसा ही तो सर इंडिया वालों ने बनाया सर, एयर से सर वाटर में करते हैं सर, उसमें टीडीएस मिक्स करते हैं। दैट्स गुड। मैं वो बता रहा हूँ, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा हालांकि मैं ले सकता हूँ, ठीक है? बस मेरा मकसद था आपको आर ओ यू वी इन सब खेल समझाना, इस तरह का सही आर ओ वाला डायग्राम बनाना है। नहीं बेटा आर ओ का नहीं बनाना, आपको ऊपर वाला बनाना था बस। ओके सर। सर टीडीएस का फुल फॉर्म आपने टोटल डिसॉल्वड सॉल्ट ही बताया था ना? हाँ बेटा, टीडीएस का मतलब है तो सर एक बार इन सबके फुल फॉर्म बता दो, यूएफ एमएफ और एमवी जो आपने बताया। आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस, एमएफ का मतलब है माइक्रो फिल्ट्रेशन, यूएफ का मतलब है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेज। लिख दीजिए आप बेटा, सुन लो ना, तो सर आपने यूवी का क्या बताया था, बाकी सारे लिख लिए। अल्ट्रा वायलेट सर, एमएफ और यूएफ को क्या था? क्या बेटा? माइक्रो फिल्ट्रेशन। रिजर्व आरओ इज रिवर्स ऑस्मोसिस, एमएफ इज माइक्रो फिल्ट्रेशन, ठीक है, यूएफ इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और सर यूएफ वही है ना जो हमारे आरओ के बाहर एक बॉक्स जैसा लगा होता है जिसके अंदर एक वो होता है। बड़ा अब ये कैसे मैं बताऊंगा तू कौन सा यूज करता है, मैं कौन सा यूज करता हूं, है ना? अरे का डायग्राम अलग अलग होगा, हर एक का मशीन अलग अलग होगा। टीडीएस में बता दूं टोटल डिसॉल्व सॉल्ट, इसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो सकते हैं। जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसमें होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, नाइट्रेट आयंस। सर टीडीएस में भी तो इनकी मात्रा एक तरीके से फिक्स होगी ना, ज्यादा भी नहीं ले सकते। अब देखो बेटा नेचर का फिक्स कर रही है, दैट इज नॉट श्योर ना, आर्टिफिशियली हम फिक्स कर सकते हैं अगर हम एक लिमिटेड अमाउंट मिक्स करें तो। अगर हम आर्टिफिशियली मिक्स कर रहे हैं तो हाँ एक पर्टिकुलर आइडियल होता है, आइडियल टीडीएस लेवल होता है 150 का अराउंड, 150-200 इज अ गुड टीडीएस लेवल, ठीक है? सर ये जो मिनरल्स होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं या फिर सर ऐसे मिक्सचर की तरह होते हैं? सॉल्युबल होते बेटा, बहुत बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है, ऐसा नहीं है कि आधा आधा किलो है, 100 ग्राम है, ऐसा नहीं है, बहुत माइन्यूट लेवल होते हैं, ठीक है? और सर ये तो डायरेक्टली रिवर्स में मिलते हैं ना, मतलब ये ऐड तो नहीं होते ना जब उस टाइम पे जब ये नेचुरल सोर्सेस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या इंडस्ट्रियल वेस्ट, सी वेस्ट, इन सब के थ्रू ही टीडीएस आता है पानी। ओके। तो मैं आपको फिर कहूंगा कि टीडीएस अगर आर्टिफिशियली हम मेंटेन कर सके दैट विल बी वेरी गुड इनिशिएटिव, पर जो जिस तरह से आरओ कंपनीज ये खेल खेलती है ना कि आरओ में से एक कनेक्शन यूएफ में डाल दिया फिर दोबारा से पानी को मिक्स कर दिया और बोलते टीडीएस मॉडरेट कर लिया हमने, तो अगर आपके पानी के जो टीडीएस लेवल है वो 300 से कम है, दैट वाटर इज एक्सेलेंट टू ड्रिंक। 300 से 500 है, ओके गुड, 600-900 फेयर, ठीक है, 900 से 1200 है दिक्कत है, 1200 ऊपर है बहुत दिक्कत है। सर आपने क्या, ठीक है वो एक्सीलेंट वाला क्या था, 300 से? मैं बेटा 300 तक पानी का लेवल है अगर तो कोई दिक्कत नहीं, पी सकते हो, नहीं क्या?
सर टीडीएस लेवल हाँ बताओ चलिए अब हम नया टेक्निक सीख रहे हैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बेटा एक और स्टूडेंट है कल्याणी और एक और बच्चा कौन था जो नया बच्चा लक्ष्मण न्यू स्टूडेंट्स कौन थे लक्ष्मण लक्ष्मेंद्र लक्ष्मेंद्र बेटा सुन पा रहे हो यस सर समझ में आ रहा बेटा यस सर क्लास के बाद आप मुझसे इस नंबर पर बात करना कॉल पे ठीक है आपको नंबर दे रहा हूँ दिस इज माय नंबर मिल गया बेटा चैट बॉक्स डाल लिया नंबर यस सर मिल गया और दूसरा बच्चा कौन है कल्याणी कौन है यस सर बेटा समझ में आ रहा है यस सर दिस इज माय नंबर बेटा आफ्टर क्लास टॉक टू मी आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ वी विल बी कवरिंग द थिंग्स ओके सर ओके चलिए वी वर टॉकिंग अबाउट separation of mixtures of solids and liquids and next is separation by centrifugation and trust me sabse zyada mazedar separation technique hai ye I really love this technique in my college life I used to do this सर एक तो होम एग्जांपल ही है क्या बेटा एक तो होम एग्जांपल ही है ना सर ठीक बनाने वाले टाइप की टेक्निक क्या बोल रहे हो समझ नहीं आया मुझे सर इसका एक तो होम एग्जांपल ही होता है ना जैसे कि सर जैसे दही को मथना वो बताओ और सर दूध में से वो हम लोग निकालते हैं सर मलाई निकालते हैं वो सब सर यस वेरी गुड अभी जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे एक इमेज डाली है इसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं यस सर आप देख सकते हो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसमें चार टेस्ट ट्यूब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करते हैं अरे बेटा शांत रहो तुम फोर्स पे आगे सीधा डेफिनेशन तुम्हें पता नहीं है अभी डोंट तुमने पहली सीढ़ी चली थी तो आखिरी सीढ़ी सोचना है दो सीढ़ी दिखाओ पहले मुझे तब मैं पहले तो आखिरी सीढ़ी मत देखो पहली सीढ़ी देखो वरना कभी नहीं चढ़ पाओगे पहली सीढ़ी 99% बच्चे यही गलती करते हैं तो उन्हें दिखता है कि हिमालय के टॉप पे कैसे चढ़ना है उसको ये समझ नहीं आता कि पहला कदम तो रखूं पहले कैसे तो अगर आप हिमालय की चोटी को देखोगे ना तो आप कभी नहीं चढ़ पाओगे दिस इज माय चैलेंज जो इंसान वन डे एट अ टाइम वन स्टेप एट अ टाइम सोचता है ना वही आगे बढ़ता है आप छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते बड़े टारगेट अचीव करते हो जब आप तय करते हो कि मैं रोज इतना घंटे पढ़ूंगा और जब उसको फॉलो करते हो तब जाके रिजल्ट्स आते हैं आप सभी ने कभी बोला कि मेरे 100 में से 100 आएंगे तो वो 100 में से 100 के लिए काम मत करो आप सबसे पहले अपने रोज के जो टाइम टेबल है उस पर काम करो कि अगर मुझे रोज दो घंटे बैठे पढ़ने 2 घंटे पढ़ने हैं आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए आपके 100 में से 100 आएंगे अगर आपने सिंसियरली काम कर लिया अरे आप कंस्ट्रक्शन तो समझिए अभी तो हम सिर्फ इंट्रो ले रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का तो आप सभी के सामने एक मशीन रखी हुई है ठीक है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन आप देख सकते हैं लिखा भी है सेंट्रीफ्यूज ये बटन है दबाओगे तो घूमना स्टार्ट करेगा इसे गोल 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 ठीक है नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे चार कॉलम्स हैं कैन एवरीवन कैन सी दिस यस सर और यस सर यस सर यू कैन सी लिड लगाई जाती है लिड होती है लिड से इसको ढक दिया जाता है ताकि लिक्विड बाहर जंप ऑफ ना करे अब मैं आपको दिखाऊंगा
इसके अंदर किस तरह की ट्यूब डाली जाती है, बोलिए कोई कुछ कह रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। लेट मी ब्रिंग यू सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स। देखिए आप सभी देख सकते हैं कि यहां पे किस तरह के ट्यूब डाले जाते हैं। यस सर। ये आप देख सकते हैं बाकी जो टेस्ट ट्यूब्स होते हैं उनसे अलग हैं, इनको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स। इतना क्लियर सभी को? यस सर। सर यस सर। ये जितने सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स है ना, ये ट्यूब्स इसमें डाले जाते हैं और रैपिडली घुमाया जाता है, ठीक है? ये दो उनमें डाले जाते हैं ना? हाँ बेटा, सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास मिक्सचर है जिसमें फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स है लिक्विड के अंदर, ठीक है, और हम उसको सेपरेट करना चाहते हैं फिल्टर पेपर से। फिल्टर तो होगा लेकिन बहुत स्लोली होगा, अग्रीड? यस सर। जीरो होगा बहुत। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जो सेपरेशन होने वाला है दैट विल बी वेरी स्लो इन केस ऑफ फिल्ट्रेशन। यस सर। However, if I talk about centrifugation, this process can be fast. This process can be fast with the help of centrifugation. अब centrifugation में होता क्या है? Centrifugation में होता क्या है? ये suspended particle जो present है आपके liquid के अंदर, ठीक है, इसको हम rapidly rotate करते हैं इसी particular machine के अंदर, ठीक है, by using a centrifuge tube. और जब आप रोटेट करते हो ना तो एक अट्रैक्टिव फोर्स जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको नीचे की ओर, जो भी इस तरह डेंसर पार्टिकल है उसको नीचे की ओर खींचती है, और जो भी डेंसर पार्टिकल है दैट विल सेटल डाउन एट बॉटम। समझ में आया मैंने क्या बोला सर? क्या काम होगा फिर? और ध्यान रखिएगा आप सिर्फ एक नहीं डालोगे, अगर आप यहाँ डाल रहे हो तो यहाँ भी डालोगे, अगर आप यहाँ डाल रहे हो तो यहाँ भी डालोगे, बैलेंस करना पड़ता है, गिर जाता है या घूमता नहीं सही से। नाउ इसमें डाल दिया तो घुमाया ना, अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, इस पर्टिकुलर अंदर क्ले भी है और वाटर भी है। अभी से बताओ ज्यादा डेंसर क्या है, क्ले या वाटर? डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? क्ले। 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 तो जब आप घुमाओगे ना तो होगा क्या, जो भी डेंसर पार्टिकल है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक तरह की फोर्स होती है अट्रैक्टिव फोर्स, इसे नीचे की ओर खींच लेगी सारे क्ले पार्टिकल्स को, और सारा का सारा वाटर क्या होगा, टॉप पर रह जाएगा। तो जो मशीन स्टॉप करेंगे दोबारा मिक्स नहीं हो जाएगा क्या बेटा? नहीं बेटा, एक बार नीचे आ गया तो आ गया। अब आप क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें इसको क्या करेंगे आप, डिकेंट कर देंगे, सारा सारा लिक्विड बाहर, यहाँ क्या बच गया, यहाँ क्या बच गया, सॉलिड। अगर मान लो मैं आपको एक टेस्ट ट्यूब दे दूं उसमें चॉक के पार्टिकल्स दे दूं,
चौक पे पार्टिकल अपने नीचे बैठ जाएंगे, आपको तो पता ही है। यस सर। क्या मैं उसको डिकैंटेशन द्वारा यानी कि हल्के हल्के दूसरे बीकर में खाली नहीं कर सकता वाटर को, सेपरेट नहीं कर सकता? यस दैट्स पॉसिबल। इजीली मैं इस वाटर को डिकैंटेशन द्वारा सेपरेट कर सकता हूँ। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाँ बोलो सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये पार्टिकल्स नीचे कैसे इकट्ठा हो गए? बेटे एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जो अंदर की ओर लगती है और जितने डेंसर पार्टिकल है उसको नीचे की ओर खींचती है। ओके सर। ठीक है, जो भी हैवी पार्टिकल होंगे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर मिक्सचर के अंदर दैट विल सेटल डाउन टू बॉटम और लाइटर पार्टिकल टॉप पर रहेंगे। सर, सेंट्रीफ्यूज मशीन्स मैनुअल भी होती हैं? हाँ, आप बात कर लीजिए उसका, जब क्या बोलते हैं दूध से क्रीम अलग करते हैं तो आप हाथ से डालते हैं ना सर, मथने वाली है जो होता है ना टूल मथने वाला। हाँ हाँ बेटा, गांव में आपने कभी देखा भी होगा तो घुमाते हैं और क्रीम अलग करते हैं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सर खोया जैसे जैसे सर गरम करने के बाद उसको गरम करते करते जो घुमाते हैं वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन है ना? अब वो क्या बोलते हैं कैसे किया जाता है, इसमें गरम किया कि नहीं किया, दैट इज अगर आपने पर्सनली किया है तो ये बता सकते हो। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन है, कैसे होता है ये थोड़ा सा समझ लो ना, अब गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो जो रोज कर रहा है वो बता पाएगा आपको। मैंने कभी भी दूर से क्रीम निकाला नहीं है। मैं आपको उससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आप सभी ने सुना होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट आजकल एक रिक्वेस्ट कर रही है सभी से कि अगर आप ठीक हो गए हैं प्लाज्मा दीजिए, प्लाज्मा डोनेट करें और लोगों की जान बचाए कोविड वॉरियर। तो कोविड वॉरियर बनने का एक सुनहरा अवसर है उन्हें, उनके पास जो इस बीमारी को लड़के जीत चुके हैं। अब देख सकते हैं कि आपको जो ब्लड होता है ना उसके अंदर ब्लड के सेल्स होते हैं और प्लाज्मा उसका मिक्सचर होता है, आप उसको भी सेपरेट कर सकते हैं। आप अभी सभी देख सकते हैं कि साइंटिस्ट ने किस तरह से सेपरेट किया हुआ है प्लाज्मा को और ब्लड सेल्स को। इसको भी आप सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालोगे ना और रैपिडली रोटेट करोगे तो ब्लड सेल्स आर हेवियर और ऊपर जो बच्चा है वो क्या है, प्लाज्मा है। क्या बोल रहा बेटा? अभी ऊपर ही तो देखे सर ट्यूब्स और सर ये ट्यूब पिघलेगे नहीं सब। आवाज तुम्हारी बहुत कम आ रही है, आवाज जोर से बोलो, जोर से बोलो। प्लाज्मा सर, प्लाज्मा तो सर बहुत गर्म होता है सर, वो फिर इसमें कैसे? अरे बेटा तुम केमिस्ट्री वाले प्लाज्मा को बायो वाले प्लाज्मा से कंपेयर मत करो, ठीक है? ये बायो वाले प्लाज्मा अलग अलग है बेटे, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। साइंस में ऐसे धक्के आपको बहुत मिलेंगे, समझ में आया बेटा? सो गया क्या? Yes, sir. सो तो नहीं गया? Yes, sir. सो गया? No, sir. चलिए तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप सभी सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन जरूर देखें। सर इससे रिलेटेड कुछ इमेज ही बनानी है। नहीं बेटा इमेज मत बनाओ, ये डेफिनेशन लिख लो। ये थोड़ा ज़ूम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, दिख रहा है? Yes, sir. ये पहला पॉइंट होगा।
सेकंड पॉइंट है सर, हमारे जो मिक्सर ग्राइंडर होते हैं उसमें ये टेक्निक नहीं होती ना? कह सकते हैं बेटा होती है कहीं कुछ हद तक, लेकिन सर उसमें तो नीचे थोड़ी कुछ खींच रहा होता है। आपने देखा होगा कई बार मसाले पिसने वाले नीचे सटल हो जाते हैं। यस सर। यस सर। ये भी देखा है सर मैंने, सर मिक्सी चलाने के बाद सर मिक्सी में जो सामान होता है सर वो गर्म होता है सर, वो किस वजह से होता है सर? सेंटर पे बेटा, नहीं बेटा वो मशीन जो है ना, मशीन के वेयर एंड टियर से होता है। मतलब बड़ा मशीन चल रही है ना, वो तो नहीं है मशीन, मशीन कीप नोटिंग दीज पॉइंट्स, मैं फटाफट टाइप कर रहा हूं। कैन यू स्क्रॉल अप? तो सेंट्रीफ्यूगेशन सिर्फ सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए होता है ना? ये सॉलिड और सॉलिड या फिर लिक्विड एंड लिक्विड तो सेपरेट नहीं कर सकता ना? नहीं बेटा नहीं, या तो फिर हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड एंड लिक्विड में, तो सॉलिड एंड लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन। आप देख सकते हैं कि इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन से पहले सारा का सारा सस्पेंडेड पार्टिकल फैला हुआ था और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सारा सस्पेंडेड पार्टिकल नीचे बैठ गया। यस सर। इसी करेंगे ना ये वाला काम? क्या बेटा? सर जो कोलोइड्स है वही करेंगे ना, क्योंकि जो जो दूसरे हेटरोजेनस मिक्सचर्स हैं जैसे सस्पेंशन वो तो ऐसे निकल जाएंगे फिल्ट्रेशन वगैरह टेक्निक से। देखो बेटा यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे फिल्ट्रेशन में हमने यही सीखा कि हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन में इनसॉल्युबल सब्सटेंस को फास्ट वे में सेपरेट कर सकते हैं। कभी मिल्क एक सस्पेंशन है तो फिर भी हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा आप सभी कभी ना कभी दूध खरीदने गए होंगे मार्ट डेयरी की शॉप पे, तो वहाँ देखा होगा लिखा हुआ टोंड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, डबल टोंड, एक्स्ट्रा टोंड, है ना? यस तो, yes, सर उसमें वो होता है सर फैट का, ठीक है सर फैट का होता है एग्जैक्टली। तब देखा होगा कि टोंड में डबल टोंड, ठीक है, अल्ट्रा टोंड, प्रो टोंड, इन सब दूध में मिल्क क्रीम नहीं आती है, जैसे गर्म करते हैं ना दूध में आपको क्रीम नहीं मिलने वाला, लेकिन फुल क्रीम दूध गर्म करोगे तो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ क्रीम इन दैट पर्टिकुलर मिल्क। दरअसल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा ही हम उस दूध से क्रीम को सेपरेट कर देते हैं। गांव में कैसे होता है आई डोंट नो, टेक्निकली कैसे होगा हम उससे बात करेंगे। तो होता क्या है, देखिए मिल्क भी क्या है, तरह का इमल्शन है, तो इसके भी जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं क्रीम के, दैट इज डिस्पर्स्ड ओवर लिक्विड वाटर। आपको पता ही है दूध में पानी भी होता है, तो अगर कभी दूध फटने के बाद पानी दिखे तो ऐसा मत सोचिएगा कि वो दूध वाले ने पानी मिलाया है, दूध के अंदर भी पानी होता है। दरअसल जो गाय या भैंस दूध पीती है, सॉरी पानी पीती है, वो भी उसको बनाने में काम आता है। अच्छा हाँ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, कुछ लोग जो सीधा गाय का दूध जाते हैं डेयरी में दूध खरीदने, दैट इज रॉन्ग। हमें कभी भी डायरेक्ट गाय का दूध या भैंस का दूध सीधा नहीं पीना चाहिए, ठीक है? देखिए जो गाय है भैंस है आपको मालूम होना चाहिए कि वो ऐसा नहीं है, वो कहीं भी जाके घास खाती है, कुछ भी खा लेती है,
ठीक है, तो बहुत केसेस ऐसे पाए गए हैं जहाँ पे जो गाय और भैंस है वो टीबी से इन्फेक्टेड है, और जो उसका मिल्क होगा वो भी टीबी के बैक्टीरिया उसमें होंगे, और जो इंसान उस दूध को पिएगा उसको भी टीबी हो जाएगा। आप सभी ने सुना होगा पैस्टराइज्ड मिल्क, सुना आप सभी ने? यस सर, यस सर। पहले गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे, तो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि हमेशा आप सर मम्मी तो घर पे ही करते हैं क्या बेटा? सर मम्मी घर में भी तो करती है, पहले उसे उबालती है फिर ठंडा कर देती है और फिर फ्रिज में रख देती है तो मलाई आ जाती है। दैट इज अ चॉइस, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ लोग होते हैं वो सीधे दूध आया उसी को पी लेते हैं। आंसर वैसे भी वो एवन मिल्क होता है और एवन मिल्क तो पीना भी नहीं चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पीना नहीं चाहिए। मैं नहीं सर, देखिए बेटा ऐसा नहीं है, गांव में लोग पीते हैं, गांव में जैसे आप भी जाओगे मैं भी जाऊंगा तो वो अगर आप गांव में गाय भैंस है दूध पीते हैं वो देसी गायों का, देसी गायों का दूध होता है और वो विदेशी का होता है जो गाय और भैंसों झाड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना समझते हैं हम दूध को कैसे, हम दूध से क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि व्हाई पाश्चराइज मिल्क इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प्स अस और इट हेल्प्स द सिटीजन फ्रॉम गेटिंग प्रिवेंटिंग देमसेल्फ फ्रॉम डिजीजेस व्हिच दैट पर्टिकुलर काउ और बफेलो इज इन्फेक्टेड फ्रॉम। तो अगर वो एनिमल इन्फेक्टेड है किसी बैक्टीरिया से, किसी वायरसेस से, तो उसके थ्रू वो दूध में भी आ सकता है, इसलिए दूध का पाश्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और लुईस पाश्चर इसके लिए बहुत अप्रिशिएट किया गए थे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ मिल्क की। तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं क्रीम हटाने के लिए मिल्क से, होता क्या है बड़े बड़े सेंट्रीफ्यूज मशीन होते हैं, ठीक है, वहां पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं। जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो मिल्क है दैट स्टार्ट रोटेटिंग इन द वेरी हाई स्पीड, जैसे जैसे वो रोटेट करेगा सारा का सारा क्रीम ऊपर आ जाएगा और दूध क्या होगा नीचे रह जाएगा, समझ में आया? फिर उस क्रीम को हम सेपरेट कर लेते हैं और उस क्रीम को हम सेपरेटली बेचते हैं। आप सभी देखा भी होगा कि क्रीम के अलग से पैकेट बिकते हैं मार्केट में। यस सर, तो अभी तक जो हमने मेथड सीखा दरअसल ये दोनों मेथड इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट करने का तरीका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस सर, फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन आर यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेजेंट इन लिक्विड। यहां पे जो सॉलिड प्रेजेंट था वो इनसॉल्युबल था, वो सेपरेट किया गया है। अंडरस्टूड? यस सर। किसी को डाउट है? नो सर, नो डाउट सर। सर हाँ बोलो। सर जो हमारे मिक्सर होते हैं और जो हमारा वॉशिंग मशीन का ड्रायर होता है सर, इसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन का ही प्रिंसिपल यूज होता है ना? एग्जैक्टली, वेरी वेरी नाइस एग्जांपल। जो आपके वॉशिंग मशीन के ड्रायर्स होते हैं, आप सभी देखा होगा, आप उसमें कपड़े डालते हो और रैपिडली वो घूमता है ना, तो आपको पता है वो डेंजर पार्टी को नीचे खींचेगा, पर आपको पता है उस होल के थ्रू कपड़े तो पास नहीं हो सकते, तो अगला ऑप्शन क्या बचता है? पानी, तो पानी को खींचेगा नीचे। सर कौन नीचे आएगा? सर कपड़े नीचे आ जाएंगे ना? क्या बोल रहे हो? सर व्हाट सर, मिक्सर वाला एक बार दोबारा बता देना सर, ये वॉशिंग मशीन। मैंने वॉशिंग मशीन का, वॉशिंग मशीन, लेट मी फाइंड आउट सम गुड वॉशिंग मशीन। ठीक है,
technology is aiding us in this time of pandemic to make this class very much creative. I personally feel ki jo board wali classes hoti hai na usse better class to ye hoti hai, kyunki yahan pe aapko har cheez ka live example main de pa raha hu, har cheez aapko dikha pa raha hu, better visualization ho raha hai क्लासरूम में. क्लास में बोर्ड में हर चीज मार्कर से बनती है, लेकिन यहाँ तो आप हर चीज लाइव देख रहे हो. आपको अभी मैंने वॉशिंग मशीन दिखानी है तो मैंने आपको दिखा दिया. जिस बच्चे को आइडिया नहीं होगा, जिसने कभी वॉशिंग मशीन में काम नहीं किया होगा, वो भी आप देख सकता है. उसने इतना देखा ही होगा कि ये एक पार्ट होता है वॉशिंग मशीन में, जहाँ पे आप कपड़े डालते हो, सारे गीले कपड़े डालते हो, ठीक है, सर्फ निकाल करके, और वो स्विच ऑन करते हो, फिर पानी यहाँ से गिरता है, ऐसे ही गिरता ना पानी, या किसी एक पर्टिकुलर रीजन से. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से गिरता है पानी, अगर मान लो किसी किसी के यहाँ से गिरता है, किसी के चार पास से गिरता है, ठीक है. सारे कपड़े यहाँ भर के इसको बंद कर देते हैं हम और स्विच ऑन करते, फिर क्या होता है, घूमता है, गोल गोल घूमता है, फिर गोल गोल घूमता है ना, तो इन होल्स के थ्रू पानी और कपड़े दोनों ही नीचे की ओर जाते हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेगा, दोनों को नीचे की ओर खींचेगा, लेकिन आपको पता है इन होल्स के थ्रू कौन पास होगा, सिर्फ सिर्फ वाटर पास होगा. आपसे भी देखा होगा yes. जब आप कपड़े सुखा लेते हो ना, तो सारे कपड़े नीचे की ओर होते हैं, फोल्डेड फॉर्म में यूं होते हैं सारे कपड़े, है ना. तो लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन में तो जो आप जिसकी डेंसिटी हाई होती है उसी को खींचता है. अरे तो मैं कहता हूँ कपड़े को भी खींचता है, पानी को भी खींचता है, ठीक है, ज्यादा किसको खींचेगा, कपड़े को. पानी का जाने का रास्ता है, कपड़े के जाने का रास्ता नहीं है वहां पे, आप समझो ना इस बात को. यस सर, समझो. मान लो कंसेप्ट ये है कि ऐसे कुछ लॉजिकल मुझे कुछ दिख नहीं रहा है बेटा, एक चीज समझो. मान लो कोई होल है, उसके थ्रू कोई चीज पास होनी है, तो आपको सर भाई डेंसिटी पास होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन अगर डेंसर चीज का साइज बड़ा है उस होल से, तो वो पास होगा. आदमी कहाँ जाएगा, नीचे भी जाएगा ना, ग्रेविटी खींचता है उसको. ओके सर, दलदल में सिंपल सी बात है, जमीन नहीं होगी आदमी नीचे जाएगा, और दलदल कुछ नहीं होता, बस वो वही बेटा की एक विस्कस मिक्सचर होता है. वो द क्विक सैंड में रहो तो सब वो नीचे धसता है सर, पर जल्दी आप उससे ऊपर से कूदो तो सर नहीं धसते. अब दे आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स, आई वोंट बी कॉन्ट्रडिक्टिंग टू स्टफ्स लाइक दिस. तो आज की क्लास में हमने दो इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, ठीक है. पहला है इवेपोरेशन, पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन. और फिल्ट्रेशन का हमने एप्लीकेशन भी सीख लिया है, वो 5 नंबर का एग्जाम में बोर्ड में आ भी सकता है आपके फाइनल एग्जाम्स में. क्या आप सभी चाहते हो कि मैं आपको फिल्ट्रेशन वाले पॉइंट लिखा दूं? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर. तो आप सभी फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन का मेन प्रिंसिपल क्या लिखेंगे अगर हमें एक लाइन में लिखना होगा तो? हाँ, मैं इसका प्रिंसिपल बता, प्रिंसिपल मैंने नहीं बताया क्या इसका? मैंने बताया शायद डिफरेंस ऑफ डेंसिटी. नो सर, डेंसिटी सर, यस सर, बताया. जो ज्यादा डेंसर होगा, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा, देयर आर पार्टिकल्स विल सेटल, विल फ्लो फ्लो ऑन द टॉप. प्लाज्मा वाले मेरे कुछ कह रहे हो बेटा? बेटा आप लोग बोलो, जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आती ऐसे. प्लीज स्पीक लाउडर. ओके सर,
मैं आपको फिल्ट्रेशन टेक्निक जो थी जिससे हमने वाटर वर्क्स पर काम किया था उसके पॉइंट्स दे रहा हूं, यू कैन नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट एट द एंड. थैंक यू सर. और आप सभी को ये पॉइंट लिखते होंगे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर. सर इस पेज में तो जगह ही नहीं है सर, नेक्स्ट पेज में लिख दे एंड में. हाँ बेटा जहाँ पे वो जगह मिले लिख लीजिए आप. सर ये पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो पूरा के लिखना, स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, आप सभी को स्क्रीनशॉट लेना है इन सब पॉइंट्स का. यस सर ले लिया. एग्जाम में तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही लिखेंगे ना? नहीं आपको सारे पॉइंट लिखने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सर. तो स्टेप्स हैं एक-एक करके आसमान में. एग्जैक्टली सर, एग्जाम में तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना पूरा बुक पढ़ी. आपको पॉइंट्स का तो आईडिया होना चाहिए ना? यस सर, बस पॉइंट्स का आईडिया होना चाहिए फिर अपने वर्ड्स में ही बना. यस, एग्जाम में हमेशा अपने वर्ड में लिखना चाहिए. Done. सभी का हो गया? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर. यस सर. आई वांट टू हियर इट ऑन चैट बॉक्स. आप सभी चैट बॉक्स कंफर्म कीजिए.
That's very, very nice. Okay, so I'll be ending the class today by this time only. I hope आपको solid and liquids के separation के दो techniques समझ में आए. यहाँ पे हमने filtration और centrifugation के बारे में समझा, सारे points समझे interactive way में, ठीक है. Narayan, don't spam him, ठीक है. अगली बार इस class से बाहर होंगे आप. End outs? No sir. No sir. Okay. 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 Okay.